पीएम मोदी आज रामनगरी अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी शाम 5 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। यहां पर वो रामलला के दर्शन करेंगे और रामलला के दर्शन के बाद में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे। राम जन्मभूमि पथ से लेकर लता मंगेशकर चौक तक पीएम मोदी रोड शो करेंगे और रोड शो को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग भी की गई है। तो राम जन्मभूमि के वीआईपी मार्ग गेट नंबर 11 को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है 6:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 7 बजे रामलला के दरबार में पहुंचेंगे और करीब 15 मिनट तक पीएम मोदी गर्भगृह में ही रहेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और रामलला का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद में 7:15 पर राम जन्मभूमि सुग्रीव किला राम पथ से रोड शो शुरू होगा, जो कि 8:20 पर लता मंगेशकर चौक पर रोड शो खत्म हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये स्केड्यूल रहने वाला है आज। और प्रधानमंत्री का जो अयोध्या में रोड शो है, इसका असर ना सिर्फ अयोध्या की सीट बल्कि जो आसपास की सीटें हैं उस पर भी देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा कड़ी कर दी गई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा लोगों में उत्साह भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। और ज़्यादा जानकारी के साथ में अयोध्या से अमित शुक्ला जुड़ गए हैं और साथ ही निमिष गोस्वामी भी जुड़ गए हैं अयोध्या से। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास में आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो अयोध्या में रोड शो होने वाला है, रामलला के दर पर भी पहुंचेंगे आशीर्वाद लेने के लिए। ना सिर्फ अयोध्या सीट बल्कि जो आसपास की सीटों पर है उस पर भी असर रहने वाला है। लेकिन अब राम मंदिर बनने के बाद में अयोध्या सीट के मायने काफी ज्यादा बदल गए, तो ऐसे में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर, दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? तैयारियां यहां पर दिव्य और भव्य हैं मनदीप, और जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आने के मायने सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, बल्कि 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है और तीसरे चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां आकर समूचे देश को एक संदेश देना चाहते हैं। राम मंदिर का इंतजार समूचे देश में राम भक्तों को था, ऐसे में इंतजार समाप्त हुआ है, तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या से वो संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं। और 3.5 महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अयोध्या आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। जिस लता मंगेशकर चौक पर हम इस वक्त मौजूद हैं मनदीप, यहीं पर पीएम मोदी का रोड शो समाप्त होगा। तकरीबन 1 घंटे के आसपास उनका रोड शो चलेगा। रामपथ से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी लता मंगेशकर चौक तक आएंगे। इस दौरान तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। रोड के दोनों तरफ भव्य सजावट की गई है। न सिर्फ अयोध्या के लोग यहां पर पहुंचे हुए प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए, बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंचे हुए पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए। रामनगरी एक बार फिर से सज धज कर तैयार है सबसे बड़े राम भक्त के स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम, लोगों को काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। और निमिष के पास में चलते हैं। निमिष, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर ली जाए तो उसके बाद में प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है, तैयारियां अमित बता रहे थे, और क्या कुछ स्केड्यूल रहेगा, कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, जैसा अभी अमित बता रहे थे, देश के सबसे बड़े राम भक्त और उस राम भक्त की एक झलक पाने के लिए राम भक्तों का ही जन सैलाब अयोध्या में उभ रहा है। हम जहाँ मौजूद हैं, सुग्रीव पथ है, जन्मभूमि पथ एक सामने दिख रहा है और यहीं से प्रधानमंत्री का रोड शो प्रारंभ होगा। लगभग 6:40 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां से फिर 7 बजे राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे। 7:15 तक राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन पूजन करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए मौजूद रहेंगे। इसके बाद रोड शो का आगाज होगा। लगभग 7:15 पर यहाँ रोड शो शुरू होगा, जो 8:20 तक लता मंगेशकर चौक तक जाएगा। लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो है। इस दरमियान रोड के दोनों साइड बैरिकेडिंग की गई है, आम जनमानस के खड़े होने की व्यवस्था है। साथ ही 50-50 मीटर पर छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें किसान, साधु संत, कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और रामनगरी सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब यहां के लोगों को इंतजार है। जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अयोध्या जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज इटावा और साथ ही सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:30 यानी कि करीब 12:30 बजे के करीब इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इटावा में रामशंकर कटेरिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इटावा के बाद में पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे सीतापुर पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। सीतापुर में रैली करने के बाद में पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे। अयोध्या की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि कैसी तैयारियां
वहां पर की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सीतापुर चलते हैं, जहां से संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप, सीतापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तस्वीरें आप दिखाइए, क्या कुछ तैयारियां हैं सीतापुर में? जी बिल्कुल अमन, देखिए जो सीतापुर का जो नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम है वो 4:30 बजे का प्रोग्राम है। अपने तयशुदा के अभी तक बताया जा रहा है कि तयशुदा जो उनका प्रोग्राम है 4:30 बजे का, वो ठीक निर्धारित समय पर सीतापुर पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि सीतापुर, धौरारा, लखीमपुर और इनको लेकर एक क्लस्टर बनाया गया हुआ है। इस क्लस्टर को लेकर आज यहाँ पर हरगांव विधानसभा में एक पीएम नरेंद्र मोदी की एक विशाल रैली होगी। इस विशाल रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पीएम की रैली को लेकर जो है तैयारियां कर ली गई है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, और साथ ही